फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एलईडी बल्ब से एक रिचार्जेबल टॉर्च बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्च बनाने का पूरा सामान है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँ किस तरीके से आप घर पे एक टॉर्च बना सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो टॉर्च का पूरा सामान है, तो मैं आपको एक एक सामान की स्टेप बाय स्टेप डिटेल दे देता हूँ किस तरीके को आपको कौन सा सामान यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आपको एक एलईडी बल्ब लेना है, आप इसमें ख़राब एलईडी बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट से लेंगे तो आपको 6 से 7 रुपये का पूरा इसकी बॉडी मिल जाएगी। और जो एलईडी प्लेट है वो आपको 7 से 8 रुपये में मिल जाएगी। ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, वैसे आप इसे 3.7 वोल्ट से भी चला सकते हैं। तो इसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पर आपको दोनों वायर छोड़ कर देने, पीछे की साइड में आपको मार्किंग कर लेनी ताकि आपको याद रहे कि कौन से पॉइंट पे हमने प्लस जोड़ा है, कौन से पे माइनस। तो इसके नीचे फ्रेंड्स आपको हीट सिंक लगा देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे हीट सिंक को लगा लेता हूँ। हीट सिंक को आप स्क्रू ड्राइवर से भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे इंस्टा ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टा ग्लू से इसे सेट कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इंस्टा ग्लू से इसे सेट कर दिया। इसके बाद में सिंपली आपको जो एलईडी बल्ब है उसके अंदर आपको इस एलईडी को फिट कर देना है। ऊपर की साइड से आपको इसका जो कैप है वो आपको लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका जो कैप है वो लगा देता हूँ। इस बल्ब को फ्रेंड्स आपको एसी लाइट में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। इसे आप सिर्फ आप इस टॉर्च में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो लाइट फिटिंग का पाइप होता है वो आपको लेना है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको 8 इंच का एक पीस कट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इसमें से 8 इंच का पीस कट कर लेता हूँ। तो देख पाऊंगा यहाँ पे मैंने इसमें से एक टुकड़ा काट लिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको एक ऑन ऑफ स्विच ले लेना है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसके लिए आपको इसमें कटिंग कर देनी है कटर की मदद से। आपको पूरी सावधानी से इसमें कटिंग कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पे इसमें कटिंग करके इसे फिट कर लेता हूँ। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्विच को इसमें ईजिली फिट कर लिया है। इस तरीके से आपको इसमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है। इसमें से हमें एक पीछे का जो कैप होता है वो बना लेना है। तो आपको इसकी एक सीट इस तरीके की बना के इसे आपको गैस पर गर्म करके इसका एक टुकड़ा यहाँ पर बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस कैप को बना लेता हूँ। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कैप को बना लिया। इसके बाद में मैंने सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने वायरिंग की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो चार्जर का पॉजिटिव पॉइंट है मैंने बैटरी का पॉजिटिव पर दे दिया, नेगेटिव वाले पॉइंट को मैंने नेगेटिव पर दे दिया है। और जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे मैंने डायरेक्ट एलईडी के पॉजिटिव पे दे दिया है, और नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ मैंने बीच में एक स्विच लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको इसकी वायरिंग कर लेनी है। देख पाऊँगा यहाँ पे मैंने बीच में से एक ब्लैक वायर को कट करके स्विच को ऐड कर दिया है। इस तरीके से आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। सिंपल कनेक्शन है, आपको इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में जो चार्ज जाएगा उसकी दोनों पॉइंट पर आपको टैप लगा देना है ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, और इस तरीके से बल्ब यहाँ पर ईजिली ऑन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे सर्किट को मैं जो पीवीसी पाइप है उसके अंदर फिट कर लेता हूँ। तो आपको इस तरीके से इसमें जो सर्किट है उसे आपको फिट कर देना है। पीछे की साइड में आपको चार्जिंग जैक लगा देना है, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को फ्रेंड्स आपको एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे जोड़ देना है। तो देख पाऊँगा यहाँ पे इस तरीके से आपसे इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं, पीछे की साइड से आपसे चार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके जो लॉक हैं जो होल्डर में ऐड होते हैं इनको आपको कट कर देना है, क्योंकि इसके बिना यहाँ पर बल्ब इसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको कटर से इन दोनों लॉक को काट देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसे फिट कर लेता हूँ। वैसे फ्रेंड्स आप इसे इंस्टा ग्लू से चिपका भी सकते हैं, वरना आप इसे सिंपली यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको निकालने में इसे ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपको इजीली यहाँ पे फिट कर देना है। यहाँ पे जब बिल्कुल इसमें फिट आता है तो आपको इंस्टा ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी जो टॉर्च है वो बन के कम्प्लीट होगी। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देख पाऊँगा यहाँ पर आप इसे किसी मोबाइल चार्जर से ईजिली चार्ज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चार्ज भी करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप पीछे से चार्ज से यहाँ पर जो चार्जिंग जाएगा उसमें आपको इस तरीके से चार्जिंग जो पिन है वो आपको लगा देनी है। यहाँ पर जो बैटरी है इसके अंदर ईजिली चार्ज हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाहर से निकाल के चेक करके दिखा देता हूँ कि अंधेरे में इसकी रोशनी कितनी होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए इसे अंधेरे में टच करके देखते हैं। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो टॉर्च लाइट है वो अंधेरे में कुछ इस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, अभी काफ़ी अंधेरा था और जैसे मैंने इसका जो स्विच है वो ऑन किया तो देख पाऊँगा यहाँ पर इसकी रोशनी काफ़ी दूर तक जा रही है। इस तरीके से टॉर्च लाइट यहाँ पर वर्क करती है। आप इसे घर पर इजीली बना सकते हैं, आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देख पाऊँगा यहाँ पर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई आइडिया तो भी मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।